नई आवाज, नई शान और नई बान से, बान से की जो कि स्पीकर है और एक इस मुहिम का वो भी हिस्सा बन जाए और इस जिले को साफ और पाक इस ड्रग से, ये जो ये लानत इस नौजवानों में पैदा हुई है, तो इसका तलाक माफ करने में हर एक शाही अपना रोल निभाएंगे। एक और पेज पर ये बात लिखी हुई है, जो भी चीज हम करते हैं, चाहे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे हम किसी भी शोबे से वाबस्ता है, तो हमें धोखे यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाहे रात हो या दिन हो, जब भी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के मुलाजमीन की आपको जरूरत होगी, हवा तेज चली और बुझ जाएगी समय, जो हवा तेज चली लक रखो सर में फिर कोई खुर्शी दबके, ये इस नेचर की खुर्शी है। आज हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ईजेक अब्दुल मजीद मीर, तो रिटायर हुए, तो ईजेक का एक असूल और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है कि जो मुलाजमत से रिटायर होते हैं तो वो बाद में तंजीम से भी रिटायर होते हैं, तो हमने उनके एजाज़ में एक यहाँ तकरीब रखी थी। लेकिन इसके साथ साथ हम मैसेज देते हैं, जब भी ईजेक की कोई भी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें हम लोगों तक कोई ना कोई मैसेज पहुँचाते हैं। आज की हमारी जो मैसेज थी वो ये थी कि ड्रग द एडिक्ट, तो इस सिलसिले में हमने ईजे के अपने तमाम रजाकारों को, लीडरान को और यहाँ पर जो जितने भी सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग आजी अजर शहरी थे, तो हमने उनको एक पैगाम दे दिया, एक मैसेज दे दिया इस